आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं गिरी गाय के बारे में इसमें आपको ऑनलाइन डेयरी स्कूल की क्लासेस में बता रहा हूँ। ये ब्राजीलियन गिरी है, ये 50-60-70 लीटर दूध रोज देती है। मतलब ये एक महीने में जो है 1000 से ऊपर लीटर दूध देगी और एक साल में ये जो है 10000 से ऊपर लीटर दूध। ये तो औसत है, वैसे वैसे ज़्यादा भी दे सकती है, 13-14-15 हज़ार। तो इसके बच्चे हिंदुस्तान में हैं और इनकी खासियत यह है कि इसमें बवेसिया, थलेरिया और ये सब नहीं होता है। ये तो ब्लड प्रोटोजुआन है, गर्मी में भी रह लेती हैं। इसी में से जो है वो ग्रीलैंडियो भी बनी है, इन फलस्तीन से क्रॉस करके ग्रीलैंडियो। वो उनने रिकॉर्ड बना रखा है, 128 लीटर दूध प्रतिदिन दिया है ग्रीलैंडियो ने। अब सवाल यह है कि इसका सीमेन कहाँ से मिलेगा। देखिए, इसका सीमेन पहले आ रहा था पर अब नहीं आ रहा है। और अगर कोई संस्था है वो 2-3 हज़ार डोज मंगाना चाहती है तो ABS आपकी मदद कर देगी और उसकी कॉस्ट जो है वो 3-4 हज़ार रुपये डोज पड़ेगी। इसका सेक्स सीमेन भी अवेलेबल है। तो बहुत से लोग ये जो है यहाँ के गुड़गांव का ही है, ये यही फेमस होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि A2 है, दूसरी बात यह है कि इसमें ब्लड प्रोटोजुआन नहीं होते, तीसरी बात सबसे बड़ी है कि गर्मी नहीं लगती इनको, तो इनका दूध भी अति उत्तम होता है। तो ये आप जो है जो अपने आगे गिरी है वो आपको 15 लीटर दूध देगी, मतलब 15 लीटर दूध रोज, मतलब करीब 500 लीटर महीने में और पूरे ब्याज में 5000 के करीब। देखिए, जितने भी जानवर हैं यहाँ, जितने भी मतलब देसी जानवर हैं और साहिवाल, गिरी, रेड सिंधी, ये सब 5000 के लपेट में आते हैं। भैंस भी 5000 देती है, पर विलायत में जैसे अमेरिका, इसराइल, ब्राज़ील, यहाँ पे 10000 से नीचे के जानवरों को वो रखते नहीं हैं। और वैसे तो जानवर ऐसे भी हैं जो 20-24 हज़ार लीटर दूध जो है 10 महीने में 305 दिन में। 305 इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 महीने 31 के होते हैं, इसलिए मतलब 305 कहते हैं। तो आप देखिए कि ये जानवर आ जाएंगे और इसके सांड भी महाराष्ट्र ने मंगा रखे हैं करीब 25-25 लाख के। तो अब इसका भी बीज यहाँ पे मिलने लगेगा, कोविड की वजह से ये ज़रा डिले हो गया है, तो यही फ्यूचर है इसका। ABS जो है ये सेक्स सीमेन दे रहा है, साहिवाल, गिरी, रेड सिंधी, मुर्रा, गंगा थीरी, थरपारकर, हरियाणा, बाद में होलिस्टीन का भी देता है, जर्सी का भी देता है और ये मेहसाना का भी देता है और प्रोस्पेक्ट का भी देता है और कैंकरेज का भी देता है और जाफराबादी भैंस का भी देता है। तो ये सेक्सुअल है, मतलब ये इसमें मतलब फीमेल ही पैदा करने वाला। देखिए, कर सारा ये है कि अगर आप देसी गाय का फार्म खोल लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको एक तो नंदी रखना पड़ेगा, दूसरी बात ये हो जाएगी जो वो उसके बछड़े पैदा हो जाएंगे उनका आप क्या करेंगे, वो तो किसी काम के नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर का हो। तो आप जो है उसमें वैसेक्टमाइज्ड वो रखिए, देसी गाय का फार्म है तो उसमें नसबंदी किया हुआ मतलब नंदी रखिए, वो जब चढ़ने लगे तब आप इस सीमेन को लगाइए। इसमें आपके हिसाब से जो है वो ये गंगा तीरी और कैंकरेज और ये देखिए आप क्या रखना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं यहाँ हूँ उत्तराखंड में, अब यहाँ पे जो ब्रीड उनने स्टेट में कर रखी है वो रेड सिंधी है, तो यहाँ आप साहिवाल रखेंगे तो उसके लिए आपको बीज नहीं मिलेगा, वो रिकमेंडेड भी नहीं है। गिरी रखेंगे वो भी रिकमेंडेड नहीं है। तो हर एक स्टेट का, आप जैसे गुजरात में वहाँ पे, कच्छ वगैरह में वहाँ पे वो क्या कहते हैं कैंकरेज ही रखते हैं। तो ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आप मतलब ये तो देखिए कि आप किस स्टेट में हैं, वो स्टेट जो है क्या रिकमेंड करती है तभी तो वैसे ही तो चलेंगे। जैसे गिरी है, गिरी जो है राजस्थान, गुजरात, कुछ हद तक महाराष्ट्र, इनमें अच्छी चलती है। इसको ह्यूमिडिटी बहुत कम चाहिए, उसको ह्यूमिडिटी 17-18% चाहिए, वो वहीं रहेगी जहाँ ऊँट रहता। अब आप बेकार की बात कर रहे कि साहब उसको बंगाल में ले आए, उसको उड़ीसा में ले आए, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, आप उसके क्रॉसेज है होलिस्टीन से या उसके आपने क्रॉस करा दिया तो वो चलिए चल जाएगा। पर एक बात यह है कि बिना सोचे समझे धार्मिक उस पर या उसमें जो है आप वो स्टेट का वो है CEO बताओ इसका डेयरी डेवलपमेंट का, उससे पूछिए कौन सी रख ले हम यहाँ पे, उसी को रखिए।
मैं यहाँ देहरादून में हूँ, यहाँ पे एक साहब 3,38,000 की ले आए गाय गिरी, तो कुछ नहीं हुआ, उसे 10 लीटर दूध भी नहीं दिया। क्यों? कि वो इतनी हाई इम्यूनिटी और उसमें रहती नहीं है गाय, वो वही रहेगी जहाँ ऊँट रहता है। इन गायों की यह विशेषता है कि इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने जितनी भी देसी ब्रीड है ये अपने फैट को गला के उससे पानी बना लेती है। फैट जब गलता है तो उसे पानी भी मिलता है, एनर्जी मिलता है इनको। ये 5-6 दिन तक बिना पानी के रह सकती है। वह ये इनका पानी कंजम्पशन भी बहुत कम है। ये जितनी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है उस वक्त ऊँट तो 20-21 दिन बिना पानी के रह जाता है। और ये गाय भी काफ़ी पानी के मामले में बहुत हार्डी है और ग्लोबल वार्मिंग में इनका बहुत बड़ा स्थान है। तो मैं आपको ये सूचना दे रहा था कि आपको किसी भी ब्रीड का सेक्स सीमेन जो है इससे ABS से ले सकते हैं और ये उपलब्ध है। अनसेक्स भी ले सकते हैं। सेक्सुअल मतलब ये होता है कि उसका जो है बछिया पैदा करने वाला बीज उपलब्ध है। इसकी कॉस्ट बछिया वाले की तो ज़्यादा होती है, पर वैसे ये मिल जाता है। अगर यहाँ आ जाएंगे आप ऋषिकेश में तो यहाँ भी इसके सीमेन मिल जाते हैं, देसी के, गिरी के, साहिवाल के, रेड सिंधी के, ये सब सीमेन आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इसका सेक्सल भी यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता है। ये जो गिरी का ये चक्कर है कि इसके जो है ब्राजीलियन गिरी भी है, वो जीनोमिक्स है, वो 100 लीटर दूध तक दिया है उन्होंने। और कुछ ग्रीनलैंडियो है जो गिरी और इसके क्रॉसेस है, तो उन्होंने भी मतलब 138-128 लीटर दूध दिया है। तो ये बड़े हार्डी एनिमल है और इनने सारी दुनिया में तहलका मजा रखा है। आप कुछ भी करना चाहते हैं पहले आप ये देख लीजिए कि सीमेन जो है, जो भी जैसे आप यहाँ आएंगे सीमेन लेने ऋषिकेश में तो वो 80 देंगे, इससे कम नहीं देंगे आपको। अगर आप सेक्स लेते हैं तो 10 देंगे। बहुत सा सीमेन जो है वो 700-800 रुपये का, तो 7,000-8,000 का सीमेन आपके इंसेमिनेटर महाशय जो है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहरबानी से आपके उसमें लगाएंगे, पर आप इतना पैसा ही नहीं देंगे, आप उन पर शक करेंगे। इसलिए इसका यही है कि आप जो है वो सीमेन लेके पहले से रख लें, औरों को दें। देखिए AI देश में जो है 30-33% होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में होती है जहाँ 90% है, और सबसे कम बंगाल में होती है जहाँ के 10% है। तो अब उड़ीसा, असम, बंगाल, अब इसमें सीमेंट की बड़ी दिक्कत है। इसमें पहली बात तो यह है कि ABS जो है सबको देती नहीं है, उसका ऐसा है कि लोग नकली बेचने लगते हैं, इसलिए उनके ऑथराइज डीलर है उन्हीं को देती है। अगर आप उनसे कहेंगे तो वो कोई भी सीमेंट मंगा देंगे, मंगा के देंगे, आपके घर पहुँचा देंगे। तो सीमेंट को प्रोक्योर कर लीजिए आप, अगर पहले चला चाहे देसी की चलाए, डेयरी चाहे विलायती की चलाए, चाहे जर्सी की चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीनोमिक होना चाहिए, जीनोमिक होंगे और सेक्स होंगे तो आपकी डेयरी चलेगी, अन्यथा उसमें व्यर्थ में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं सो कहते हैं कि मेरे पास फोन आते हैं कि हम सोच रहे हैं कि डेयरी रख लें। आप सोच सोच के ही मतलब सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए मत, करना है तो करिए, और ये कोई बाइजी वे बात नहीं है। अभी एक साहब कह रहे थे मेरी इंडस्ट्री है साहब, मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि साहब थोड़ी सी गाय भी रखूँ। मैंने कहा भैया ये थोड़ी सी नहीं होती है, इसमें तो सब तज हर बज है, मतलब इसमें तो आपको लगना पड़ेगा दिन रात, नहीं तो आपको नुकसान के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो लोग 100-200-300 लीटर 400 लीटर दूध पैदा करना चाहते हैं वो संपर्क करें, हम इसमें गाइडेंस आपको दे देंगे, आपकी डेयरी फेल नहीं होगी। पर आपको फुल टाइम में आना पड़ेगा और आप 8-10 हज़ार रुपये रोज कमा सकते हो बड़ी आसानी से। पर ये जो आपके दिमाग में है कि साहब ऐसे ही खोल लेंगे और नौकर रख देंगे और हो जाएगा, वो ठीक है हो जाएगा, पर मतलब जो है आपको उसमें संलग्न होना पड़ेगा, आप दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते। अभी ऐसी डेयरियाँ हैं जिसमें के थोड़ी है, जिसमें के 50 जानवरों को एक ही आदमी देखता है, 500 पे मतलब 10 आदमी है बस उन पर, और कहीं कहीं ऐसा है कि 4-4 आदमी रखे हुए 50 गाय पे, तो सब ऑटोमेटिक हो गया है। मतलब ये तो बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं, पर ज़्यादातर यह है कि मतलब किसान जो है 2-3-4 गाय रखता है, और या तो भैंस रखता है और उसे नुकसान हो जाता है तो बंद कर देता है, या उसे कहीं नौकरी मिल जाती है तो वो उसको बंद करके चला जाता है। पर अब पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इनको देख के लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं,
और यह एक फुल टाइम जॉब बहुत सारों ने बना लिया है और इसके बारे में आप हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ऑनलाइन है ट्रेनिंग। आप संपर्क करिए 7979848332, इसमें आपको हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर है वो सब बताएंगे। वैसे आप ट्रेनिंग नहीं भी लेना चाहते हैं तो मेरे 800 के करीब वो हैं वीडियो रिकॉर्डिंग इस पे, और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं 35,000 के करीब और व्यूअर्स भी हैं 3 मिलियन के करीब। तो आपके लिए सब सेवाएं मुफ्त है, चाहे अगर आप वो करना चाहते हैं डेयरी में कोई प्रशिक्षण और 100-200 कॉमर्शियल उस पर करना चाहते हैं तो आप जहां 10-15 लाख रुपए लगाएंगे उसको हम आधे में ही आपका काम कर देंगे। आप ये समझिए कि सीमेंट सब तरह का अवेलेबल है और बहुत अच्छा सीमेंट भारतवर्ष में अवेलेबल है, और जो आपका बार्स है वो भी दे रहा है सीमेंट, और ये साबरमती गौशाला भी दे रही है, सोलन भी दे रहा है, और यार ऋषिकेश में भी मिल रहा है, बाबूगढ़ में भी मिल रहा है। तो आप इस पर डिपेंडेंट मत रहिए कि साहब वो इंसेमिनेटर के सिलेंडर में रखवा दीजिए उसके, वो बेचारा तो आपकी बहुत मेहनत कर रहा है पर वहाँ का ABS का लाके लगाएगा तब भी आप उस पर शक करेंगे, और वो 50 रुपये का सीमेंट लाएगा वहाँ से तो 500 तो लेंगे, और 500 वाला सीमेंट लाएगा नहीं वो, क्योंकि 10 से कम देते नहीं है, 50 वाला ले आएगा 500 रुपये का, और उसका आपसे अब जितना भी चार्ज करें उसकी मर्जी है। तो ये सोचिए कि आप जो खुद भी AI कर सकते हैं, जो हमारे पास कैमरे वाली AI गन है उसमें एक ही दिन में आपको प्रशिक्षण ऑनलाइन दे दिया जाएगा, आप करने लगेंगे, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आप जो है उनसे पूछ भी सकते हैं। उसमें ये राजा जी है जिनका नंबर मैंने आपको बताया अभी, तो आप इनसे संपर्क करिए, आप AI भी कर सकते हैं, बीज भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि बंगाल में 10% है और वहाँ जो है 90% है, और देशभर में 30% ट्री जानवर AI से कवर होते हैं, बाकी परेशान हो गए बहुत से, या सीमेंट के अभाव में, या उनकी मेन डिफ़िकल्टी ये है कि कंसीव कर जाए वो किसी, तो बहुत सस्ता सीमेंट भी अवेलेबल है 10-20 रुपये 30 रुपये, और 1,000 का सीमेंट अवेलेबल है, पर अच्छा सीमेंट जो है 300-400-500 का आता है। आप डेयरी खोलने से पहले सीमेंट का इंतजाम कर लीजिए, चाहे आप अपने पास सिलेंडर खरीद के रखिए, चाहे आप अपने इंसेमिनेटर के पास रखवा दीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत उन्नति होगी। अब जैसे वहाँ है गुजरात में, वहाँ तो सब चीज़ फ्री है ना, आप 140 रुपये दीजिए आपके जानवर का हो जाएगा, सब इलाज हो जाएगा, और कोई दवाई के पैसे नहीं देने, बीज भी आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, हर एक चीज़ में सब्सिडी है, फीड भी मिलेगा, मिल्किंग मशीन भी मिलेगी। तो हर एक स्टेट का अलग अलग खेल है, पंजाब में लोग आगे वो नेस्ले वेस्ले है वो सब अपने दवाई देती है, कैडबरी है नेस्ले है वो मिल्क कलेक्शन करता है, पंजाब जो है वो बच्चे ही पैदा करता है, 3 लाख गाय हर साल बेचते हैं वो, हरियाणा जो है भैंस बेचता है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी देखिए जो मिल्क कंजम्पशन है वो पंजाब में जो पंजाब हरियाणा में 1 लीटर पर डे पर ह्यूमन है, जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें 100 ग्राम भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग दूध पर जिंदा है, बहुत से लोगों को दूध हजम ही नहीं होता है, उनमें लैक्टेज इंजाइम ही नहीं होता है, तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और ये राजस्थान यहाँ पे क्या कहते हैं ये आपको काफ़ी दूध की डिमांड है, पैदा भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खल मध्य प्रदेश गुजरात हरियाणा और यहाँ राजस्थान यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए मतलब जो है कि कहाँ पे क्या चीज़ उपलब्ध है उसी के हिसाब से डेयरी चलती है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि आप जो है देसी गायों का भी सीमेंट ले सकते हैं और बछिया पैदा करने वाला भी ले सकते हैं, तो बछड़ों के झंझट से आप बच जाइए। जब से कृषि का यांत्रिकरण हुआ है, ट्रैक्टर आ गए, तब से इसमें ये बड़ी समस्या हो गई है कि वो बछड़ा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा उसका। देखिए जो विलायती गाय के बछड़े पैदा हो जाते हैं वो तो चलो मर गया कोई बात नहीं, मरते भी जाते हैं वो, 50-60% मर ही जाते हैं, और वैसे जिंदा भी रह जाएंगे तो वो उनको फुट एंड माउथ या कुछ ना कुछ बवेरिया थ्रेरिया हो के लगड़े पकड़े हो के वो
ख़त्म हो जाते हैं बाद में। यहाँ मैं ऋषिकेश में, मथुरा में, मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद में, सब जगह देखता हूँ। और जो देसी गाय के बच्चे हो जाते हैं वो 1-2% ही मरते हैं, और वो जो है बड़ा नुकसान भी कर देते हैं, वो आदमी को भी चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें आप सेक्सीमेन को यूज़ करिए, और यह उपलब्ध है, और ये ऋषिकेश में भी उपलब्ध है, बहुत सस्ता, और ABS भी रहता है। धन्यवाद आपने सुना।